बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। इससे पहले कि मैं इस कोर्स के हवाले से आपसे बात स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगी कि मैं अपना कुछ इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं। मेरा नाम तायरा हारून है। मैंने अपना पोस्ट डॉक जो है वो कम्प्लेक्स फ्लूइड्स एंड कम्प्लेक्स फ्लोस में किया, स्वांजी यूनिवर्सिटी से, यूके में है। फिर उससे पहले मैंने पीएचडी की थी, वो मेरी कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में थी, जिसमें मेरा थीसिस का टाइटल था नॉन कोएक्सियल रोटेशन ऑफ अ पोरस डिस्क फॉर अनस्टडी एमएटी फ्लो इन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लोस। बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का है, फ्लूइड डायनामिक्स का है, और मैंने कायद अजम यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कंप्लीट किया था। उससे पहले मैंने एमफिल भी कायद अजम यूनिवर्सिटी से ही किया, जो कि मेरा कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में था और जिसमें टाइटल मेरा थीसिस का था मैथमेटिकल मॉडलिंग इन द बे ऑफ बंगाल, जो कि कंप्यूटेशनल वर्क था और ये मैंने वहाँ से किया। उससे पहले एमएससी भी मेरी वहीं की है। तो उसके बाद ये है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैंने अभी लेटली जो है 2009 से लेके अभी तक मैं कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में हूँ और मैं यहाँ पे प्रोफेसर और एज अ चेयर पर्सन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में काम कर रही हूँ। उससे पहले 2002 से लेके 2009 तक जो है वो मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही मैथमेटिक्स की कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एबटाबाद में। इसके अलावा मैंने 1980 से लेकर 2002 तक जो है एज अ प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर ए क्यू खान रिसर्च लैब्स में काम किया है। मैंने अभी तक जब से मैं कॉमसेट्स में आई हूँ मेरी सुपरविजन में तकरीबन जो है वो मोर देन 30 जो है वो एमएस और एमफिल के स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, मैंने उनको सुपरवाइज किया है। उसके अलावा मेरा जब से मैं इस्लामाबाद आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि पीएचडी का प्रोग्राम है, तो मेरा एक पीएचडी स्टूडेंट जो है उसने कंप्लीट कर लिया है 2012 में अपना पीएचडी काम, और 5 जो स्टूडेंट हैं वो मैं उनको सुपरवाइज कर रही हूँ, जिनमें से एक जो है वो उसने लास्ट सेमेस्टर में अपना थीसिस सबमिट किया है और 2 जो हैं वो अपना थीसिस इस सेमेस्टर में सबमिट करने जा रहे हैं और बाकी का जो रिसर्च वर्क है वो अभी जारी है। ये मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड डायनामिक्स है। सो न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स दोनों पे मैं काम करती हूँ, ये मेरा जो है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। उसके अलावा मैंने एमएस एमफिल पीएचडी को भी कोर्सेज पढ़ाए हैं, पढ़ाती हूँ अभी भी, और इसमें इन कोर्सेज में मेरे पास फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने पढ़ाया है, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस पढ़ाया है, मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक्स पढ़ाया है, उसके अलावा न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा ये मैंने हाई ग्रेजुएट लेवल पे कोर्सेज पढ़ाए हैं। इसके अलावा अंडरग्रेड कोर्सेज में मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, लीनियर अलजेब्रा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कैलकुलस जो हैं ये मैं बच्चों को पहले पढ़ा चुकी हूँ। अभी मेरी जो कंप्यूटर स्किल्स हैं, क्योंकि मैं इतने अरसे से जो है केरल में भी जॉब किया, कॉमसेस में जो जॉब कर रही हूँ, तो मैंने मेन फ्रेम पे काम किया है और वैक्स और डेक्स सिस्टम्स पे, एसटीआई सिस्टम्स पे मैंने लार्ज स्केल कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। मैंने री इंजीनियर किया है लार्ज स्केल कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को टू इम्प्लीमेंट इन हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो लेटेक है ये एक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम है, ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं ये भी मैंने लेटेक ही में बनाई हैं, और इस पे मैं सारा रिसर्च पेपर और सारी मैथमेटिक्स लिखना ये मैं एक अरसे से लेटेक को यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने जो मैथमेटिकल पैकेजेस हैं वो नेग लाइब्रेरीज या मैथमेटिका, मैपल, टेक प्लॉट, मैटेक, मैटलैब, फोर्ट्रेन, सिंपल प्लॉट और एंड नोट, इसके अलावा जो नॉर्मल कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है या वीडियो है, इनको भी मैं इस पर भी काम करती रही हूँ और इसको मैं इजीली हैंडल कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास जो पब्लिकेशंस हैं दे आर मोर देन 50 इन इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में हैं। एक बुक का चैप्टर भी मैंने मेरा है जो कि स्प्रिंगर वालों ने पब्लिश किया था 2009 में, और टाइटल था उसका द डायनेमिक्स ऑफ कंप्रेसिबल हर्शल बल्कले फ्लूइड्स इन डाइस्वेल फ्लोस, जो कि इनकी एक सीरीज थी डैमेज एंड फ्रैक्चर मैकेनिक्स, उसमें जो है ये पब्लिश हुआ।
उसके अलावा एक न्यूमेरिकल मेथड्स पे मैं एक बुक भी लिख रही हूँ जो कि अबाउट 90% कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसको रिव्यू करना और उस पर जो है बाकी चीज़ों का इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं उसको कंप्लीट कर सकूं, लेकिन काफ़ी हद तक वो कंप्लीट उसमें पहुंच चुकी है। इसके अलावा एबटाबाद में मैंने एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बहुत सारी सेमिनार करवाए, बहुत सारे जो हैं वो सिंपोजिया करवाए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, जिसमें मैं चीफ एडिटर रही। वहाँ पे मैं एक कंपटीशन कम्प्लेक्सिटी इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस जो है वो सिंपोजियम मैंने शुरू करवाया था, जो अभी तक जारी है, और उस पर काम हर साल जो है वो इसकी सीरीज के जो है सिंपोजिया होते रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं कुछ इंटरनेशनल जर्नल्स की रिव्यूअर भी हूँ। फिर मेरी कोलेब्रेशन भी है जो कि अमेरिका में भी है, कुवैत में भी है और यूके में भी है। इसके अलावा मैंने तकरीबन 25 नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की हैं। अवार्ड्स में ऑब्वियसली मैट्रिक से लेके अभी तक जो है लास्ट तक मैं अपने स्कॉलरशिप पे पढ़ती रही, और मैंने MOU साइन करवाए स्वांजी यूनिवर्सिटी में। मैंने इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग रिसर्च लैब में भी काम किया। मैंने कंप्यूटेशनल एनवायरनमेंट लैन पे जो है वो सेटअप किया। एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनेट इन रिसर्च मैंने इंट्रोड्यूस कराई है एबटाबाद में, और फिर लार्ज स्केल जो कंप्यूटेशन सिस्टम्स हैं उनकी डाउन साइजिंग भी मैं हेल्प की, और हेटरोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में भी काम मैंने किया। तो ये मेरी जो है वो कुछ अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा मैं HEC की अप्रूव्ड PPAD सुपरवाइजर हूँ और नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी की मेंबर हूँ। मैं एकेडमिक काउंसिल की भी मेंबर हूँ। इसके अलावा मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन हूँ, और सिलेक्शन बोर्ड जो काउंसल्स में हमारे मैथमेटिक्स का होता है उसकी भी मेंबर हूँ। मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की भी कन्वीनियर हूँ, और इसके अलावा एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी की जो है डिपार्टमेंट की वो उसकी मैं कन्वीनियर हूँ। कैंपस एडवाइजरी कमेटी की भी मेंबर हूँ। इसके अलावा सुपरवाइजरी कमेटी जो MS और PAT की है उसकी मेंबर हूँ। इंटरनेशनल टेक्निकल कमेटी ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट मास ट्रांसफर जो है उसकी भी मैं मेंबर हूँ। इसके अलावा बोर्ड ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंसेस की भी मैं मेंबर हूँ। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने कोशिश की कि मैं उसको बहुत ही शॉर्ट करके आप तक पेश करूँ। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन मेरा, मैंने काफ़ी अरसे से काम किया है, इंडस्ट्री में भी काम किया, केरल में काम किया। उसके अलावा मैं जब से कॉमसेट्स में हूँ तो भी मैं इस पे काम करती आ रही हूँ। और मैं आपको बताऊं कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन को आप क्यों पढ़ने जा रहे हो। बेसिकली क्या है कि हम मैथमेटिशियंस हैं, ठीक है, हमें हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स आता है हम उसको कोशिश करते हैं कि उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशंस निकाल लें। ठीक है, आपके पास बहुत सारी, आपने अभी तक शायद देखा होगा क्योंकि कैलकुलस के कोर्सेज आपने पढ़े हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, कुछ डेरिवेटिव्स आते हैं, कुछ इंटीग्रेशंस आती हैं, तो उसमें सॉल्यूशन आप निकालते हो। लेकिन आपने खुद देखा होगा कि कुछ इंटीग्रेशंस, कुछ डेरिवेशंस जो हैं वो काफ़ी मुश्किल होती हैं, और आपके पास जो भी कोई इक्वेशन आती है उसका सॉल्यूशन इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिनके सॉल्यूशन आप निकाल भी रहे हो जो आपका लेवल है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे भी हैं जो कि आप मुश्किल लगता है कि इसका आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जो है वो न्यूमेरिकल मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। जब से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है लेट 70s और 80s में जब कंप्यूटर आया, तो उसके बाद आप देखो तो दुनिया में ड्रास्टिक चेंजेस आई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कंप्यूटर का आना था, क्योंकि बहुत सारी कंप्यूटर ने चीज़ों को आसान कर दिया, बहुत सारे। और अब तो ये हालत है कि हर दिन आप देखिए कि आपके छोटी सी, बिल्कुल आपके इस थंब के पोर से भी हाफ पे आपकी USB आती है, जो 16 GB की या इससे भी बड़ी बड़ी जो है वो इतनी छोटी सी है। आपके मोबाइल है उसमें इतना जो है वो मेमोरी है, इतना डेटा आप स्टोर कर सकते हो। आपके लैपटॉप्स हैं उस पर आप इतना डेटा आपको स्टोर कर सकते हो। एक ज़माने में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे जो इससे कहीं काम जो है स्टोरेज के साथ आते थे, लेकिन यह है कि न्यूमेरिक कंप्यूटर के आने से दुनिया में बहुत बेतहाशा चेंजेस आई, और अब तो ये चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं कि अगर आप एक मोबाइल लेते हो तो मे बी
आप 2 दिन बाद सोच रहे होते हो कि मैंने ये क्यों ले लिया, क्योंकि उसके बाद उसका लेटेस्ट वर्जन भी आपके पास आ गया या उससे कहीं बेहतर और आपको मोबाइल नज़र आता है। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर लेते हो तो आपको हमेशा फील होता है कि नहीं, आपने कुछ दिन और इंतज़ार करते तो आप उससे बेहतर जो है कंप्यूटर ले सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली डेली चेंज पे ये है। तो हमारे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के हवाले से ये है कि हम क्या करेंगे कि इससे पहले आपको जो है आपके बेसिक जो है वो स्टार्ट करने से पहले आपकी बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, जो आपको इसको लर्न करने में हेल्प करेगी। जिसमें क्या है कि आपने कैलकुलस 1 ज़रूर पढ़ा होना चाहिए, उसमें आपको डिफरेंसिएशंस वगैरह आपकी इस कैलकुलस 2 भी आपको पढ़ा होना चाहिए, जिसमें आपकी इंटीग्रेशंस वगैरह भी आ जाती हैं, आपका डिस्क्रीट पॉइंट्स पे भी आप वैल्यूज कंप्यूट कर सकते हो, और आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंसिएशन और उनकी कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी का, लिमिट्स का, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। आपके पास जो है आपका ये इस कोर्स का प्री रेक जो है वो कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2 है। फिर आप क्या करोगे कि आप जब ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आप क्या चीज सीख लोगे? यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट फाइंडिंग फॉर नॉन लीनियर इक्वेशन। किसी भी टाइप की इक्वेशन, जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है, अगर कोई पॉलिनॉमियल अगर आप क्यूबिक ले लो या फोर्थ ऑर्डर ले लो या उससे हायर ले लो, तो उसका सोल्यूशन इतना आसान नहीं होता। आप मैनुअली ही उसको नहीं कर सकते, किसी मेथड के साथ नहीं कर सकते, लेकिन न्यूमेरिकली आप उसको बड़ी आसानी से कर सकोगे। ये हम देखेंगे कैसे होता है, ठीक है? तो आप ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकली आप सीखोगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। फिर आप इंटरपोलेशन, क्योंकि देखें आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि जब आपके पास बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है, तो आपके पास उसको जो है आप इंटरपोलेट कर सकते हो। उस डाटा के जो है रेफरेंस से आप बहुत सारी मजीद वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, आप फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये डाटा आपको कहाँ लेके जाएगा। जिस तरह से अभी आप देखिए कि अगर फर्ज करें कि कोई सैटेलाइट है जो कि आसमान पे मूव कर रही है, कोई स्टार है जो आसमान पे मूव कर रहा है, तो पिछले दिनों में, आज से चंद एक साल पहले की बात है, कि लोगों ने मार्स को देखा, और उससे पहले खबरें आना शुरू हो गई थी, नासा से आना शुरू हो गई थी, बाकी जो है वो आपके तमाम जो है अखबारें, नेट सब भरा हुआ था कि आप फलां फलां एरिया में आप मार्स को बहुत आपके अर्थ के क्लोज होगा और आप उसको ऑब्जर्व कर सकोगे नेकेड आई के साथ, और इतने मिनट और इतने सेकंड पे वो यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में नजर आएगा। और लोगों ने देखा कि वाकई उस टाइम पे उस एरिया में वो जो है वो लोगों ने देखा। तो ये कोई इल्हाम तो हुआ नहीं था, क्या था कि उन्होंने बहुत सालों से मार्स का पाथ पे डेटा कलेक्ट किया, किस तरह से वो मूव कर रहा है, किस पाथ पे मूव कर रहा है, और उन्होंने उसको एक्सट्रापोलेट किया। एक्सट्रापोलेट किया क्या कि प्रीवियस टाइम पे आपके पास डेटा सारे का सारा मौजूद था, और आपने फ्यूचर टाइम पे उसकी पोजीशन जो है वो मैयर कर ली, उसको फाइंड आउट कर लिया, और आपने कह दिया कि हाँ जी ये तो जमीन से क्लोजेस्ट जो जगह है वहां पे मार्स की पोजीशन फ्लां दिन फ्लां टाइम पे इतने मिनट इतने सेकंड पे आपको नजर आएगा, और वो ऐसे ही हुआ। सो इट वाज एक्सट्रापोलेशन, ठीक है? लेकिन अगर ये है कि अगर आपको डेटा आपके पास है डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट टाइम्स पे है, तो इन बिटवीन जहाँ पे आपने डेटा कलेक्ट नहीं किया था, आप उसको उन पॉइंट्स पे उन बाकी डेटा जो मौजूद है उसके रेफरेंस से आप किसी भी टाइम पे जहाँ आपके पास मौजूद नहीं है आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपके पास डेटा मौजूद है और आप विद इन दैट रेंज जो है कोई और पॉइंट पे डेटा कलेक्ट कर सको, तो उसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। और अगर आउटसाइड द रेंज आप करते हो, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आपके पास सारे टाइम्स पे डिफरेंट टाइम्स पे डेटा मौजूद था और आपने फ्यूचर की बात की जो कि आपकी उस रेंज से बाहर निकल गया, तो आपने उसको एक्सट्रापोलेट किया। सो हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ये काम कर सकते हैं डेटा के साथ, और हमने एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फंक्शंस बाय सिंपलर कंप्यूटेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है? ये हम चीज इसमें भी इसको सीखेंगे, ठीक है? पॉलिनोमियल्स और स्प्लाइंस हम करेंगे, किस तरह हम पॉलिनोमियल्स डिफाइन करेंगे, किस तरह स्प्लाइंस को डिफाइन करेंगे, और किस तरह से हम उसके हवाले से इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन और अप्रोक्सीमेशन जो है सॉल्यूशंस फंक्शंस की हम कर सकते हैं। फिर यह है कि हम न्यूमेरिकल डिफरेंसिएशन की बात करेंगे, ठीक है? आपके पास बहुत सारी
मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी, बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। आपने अगर कोई इक्वेशन सॉल्व की भी है डेरिवेटिव्स के डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें 1D का प्रॉब्लम था, एक आपके पास अननोन वेरिएबल था, एक आपके पास नॉन वेरिएबल था, आपने उसको वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लेकिन क्या होगा अगर 2D प्रॉब्लम है, अगर 3D प्रॉब्लम है, तो फिर ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप उसको सोल्यूशन जो है, अगर तो आपके पास कुछ टेक्निक्स मौजूद हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जो नॉर्मली आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, सो आप उसके लिए न्यूमेरिकल टेक्निक यूज करते हो। सो हम सीखेंगे कि न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन कैसे होती है, डिवाइडेड डिफरेंसेस क्या होते हैं, न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर्स क्या होते हैं, और इंटीग्रेशन हम न्यूमेरिकल किस तरह करेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वही मैंने आपको बताया कि आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन उसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है, लीनियर नॉन लीनियर की बात भी आपने शायद सुनी हो, तो अगर आपकी इक्वेशन नॉन लीनियर होगी तो उसका नॉर्मली सोल्यूशन मुश्किल हो जाता है। सो हम उसके लिए ये टेक्निक, कोई अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं या कोई न्यूमेरिकल टेक्निक उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। सो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स भी सीखेंगे, न्यूमेरिकली हम उनके सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ये इसकी बेसिक टेक्निक्स हम आपको सिखा देंगे। और जब आप बेसिक टेक्निक सीख जाओगे तो आप कहीं भी चाहोगे तो इन टेक्निक्स को कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। 1D के प्रॉब्लम हम अगर करेंगे तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, 2D पे भी उसको एक्सटेंड कर सकते हो, 3D प्रॉब्लम्स पे भी। सो हम ये सीखेंगे। और फिर कंप्यूटेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम्स, ठीक है, विच आर डेवलप्ड इन द कोर्स इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द इश्यूज ऑफ एक्यूरेसी कंप्यूटेशन वर्क एफर्ट, ठीक है, एंड स्टेबिलिटी टू डू एक्सरसाइजेस, ठीक है। आप ये सारा, अब ये है कि हम ये सारा कुछ जो करने जा रहे हैं, आप हम मैथमेटिशियन हैं, ठीक है, ये कोर्स जो है इस वक्त मैं मैथमेटिशियंस को ऑफर कर रही हूँ, तो अगर आप मैथमेटिशियन हो तो फिर आपको इस प्रोग्रामिंग भी करनी आनी चाहिए। इंजीनियर्स हैं या कोई और बायोसाइंसेस के लोग हैं या फिजिक्स के लोग हैं या कोई, तो उनके लिए मैथमेटिक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो उनको वो उन्होंने अपना प्रोग्राम अपना मॉडलिंग की हुई होती है, उनको सिर्फ रिजल्ट चाहिए होते हैं। सो उनके लिए तो आसान है कि वो कोई ना कोई कोड यूज कर लें, कोई ना कोई इंटरनेट से या कहीं से कोड हासिल करें और अपनी इक्वेशंस को डालें और जस्ट रिजल्ट लें। लेकिन मैथमेटिशियन को उसकी डेप्थ पता होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसका जो भी प्रॉब्लम है वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सॉल्व हुआ है। सो आपको मैं यही मशवरा दूंगी कि आप कभी भी कोड मत यूज कीजिए, आप पहले छोटा सा प्रॉब्लम लें, उसकी आप प्रोग्रामिंग करें, उसकी कोडिंग करें और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करें, उसको देखें। जब आप कॉन्फिडेंस आपका आ जाए और बहुत हाई लेवल के प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बहुत कोड्स आप देन यूज कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी डेप्थ में पता होना चाहिए। जिस तरह से हम हाथ से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम उसको वन बाय वन जो है एक एक स्टेप हम उसका सॉल्व कर रहे होते हैं, इसी तरह से जब आप कंप्यूटर पे करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहा है, वो एल्गोरिथम किस तरह से चल रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा भी रहा है या नहीं जा रहा। कि अगर आप थोड़ा सा भी एल्गोरिथम को भी अगर सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाओगे तो उसी तरह से जिस तरह से आपके जो है मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम गलत हो जाते हैं, इसी तरह से आपको कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर खुद तो इतना सेंसिबल नहीं होता, जो आप उसको कहोगे जिस तरीके से कहोगे उसी तरीके से वो आपको सोल्यूशन देगा। सो हम जो है ये सारा कुछ करने के बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आई होप के आप ये सारा कुछ करने के लिए काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे और काफी इजी फील करोगे। सो कंप्यूटेशनल एक्सपेरिमेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस जो हैं आप C++ में भी आपने पढ़ी है, आपने मे बी मेटलैब पढ़ी हो, आपने मे बी मैथमेटिका आपको आता हो या मैपल आता हो, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको फ्लेवर दूंगी फोरट्रेन का, FORTRAN, ठीक है, फोरट्रेन है तो फॉर जो है फॉर्मूला के लिए है, TRAN ट्रांसलेशन है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये लैंग्वेज बेसिकली मैथमेटिक्स के लिए ही बनाई गई है और अभी तक बहुत बड़ी बड़ी जो रिसर्च लेबॉरेटरीज हैं वहाँ पे अभी तक फोरट्रेन ही यूज होता है। आप किसी भी लैब में चले जाएं, नासा की लैब में चले जाएं,
इवन पाकिस्तान में देख लीजिए, अगर केरल में कोई बच्चा जाता है तो उसके लिए भी जो है वो यही लैंग्वेज वो यूज़ करेगा, फोर्ट्रेन ही को यूज़ करेगा अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप बाकी लैंग्वेजेस भी सीखें, ये एक आपके पास एक और बेनिफिट हो जाएगा कि आप थोड़ा सा फोर्ट्रेन भी सीखें और इस अपने प्रॉब्लम्स को फोर्ट्रेन में जो है वो उसकी को एल्गोरिदम्स बनाएं, उसकी कोडिंग करें और आप उसको इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोर्स आउटलाइन हमारी क्या है? इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, ठीक है। इस ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एरर एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप किस तरह से कॉन्फिडेंट होंगे कि आपका जो रिजल्ट आया है वो सही है। मे बी आप जो आपका रिजल्ट आ रहा हो, आप को रिजल्ट मिल रहा हो लेकिन वो गलत हो, तो हमें फिर ये एरर एनालिसिस उसका करना बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपको कुछ टाइप के जो एरर जो कंप्यूटर पे काम करते हुए जब बीच में इमर्ज होते हैं वो मैं आपको उनके मुताबिक भी बताऊंगी ताकि आपको आइडिया हो कि जब आप प्रोग्रामिंग करो तो आपके किस किस टाइप की एरर इन्वॉल्व हो सकती है और आप उस पर चेक रख सको। फिर आपके न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस हम करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस करेंगे, ठीक है। आइट्रेटिव मेथड्स हम करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंटरपोलेशन होगा, स्प्लाइन इंटरपोलेशन होगा, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन होगी, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होगी और हम फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कोशिश करेंगे कि कुछ इक्वेशन लेके उनको सॉल्व कर सकें। कुछ एग्जांपल मैं आपको बाय द एंड ऑफ द कोर्स जो है दे सकूं। टेक्स्ट बुक जो मैं यूज़ करूँगी उसमें मेरे पास जो है आपको बेहतर ये है कि जब आप कुछ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो इंटरनेशनल बुक्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्ट किया करें। उसमें ये होता है कि आपको एक चीज़ हो सकता है मेरे से समझ ना आए, हो सकता है किसी दूसरे टीचर से समझ ना आए, जब आप बुक पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बुक भी मिल जाए बीच में। बाज़ बुक्स बहुत आसान होती हैं और बाज़ हर बुक का एक अपना स्टाइल होता है चीज़ को समझाने का, किसी भी आर्टिकल को समझाने का, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप मे बी उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सको। लेक्चर जो है वो आप करो और कभी नोट्स पे आप नहीं डिपेंड किया करो, आपसे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो और वही आपकी लर्निंग है, वही आपको जो है आपके जहन को ज़्यादा ब्रॉड करेगी, आपकी ज़्यादा ग्रूमिंग जो है वो एकेडमिकली जो है वो करेगी कि अगर आप किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। सो मैंने टेक्स्ट बुक जो की है न्यूमेरिकल मेथड है बाय डगलस फेरिस और रिचर्ड बर्टन की बुक है, थर्ड एडिशन में, उसमें से आपको एक्सरसाइजेस वगैरह दूंगी, पढ़ाऊंगी तो मैं डिफरेंट बुक से, लेकिन यह है कि साइंस का ये यही मज़ा होता है कि आप कोई भी किताब खोल लो, सोल्यूशन आपका यूनिक है, टेक्निक आपकी यूनिक है, मेथड आपका यूनिक है, बेशक कोई भी आप किताब खोलेंगे आपको इसके डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो वही सब सब जगह एक ही जैसी मिलेंगी। थोड़ी सी इंग्लिश आगे पीछे होगी, थोड़ी सी इंग्लिश किसी में आसान होगी किसी में मुश्किल होगी, लेकिन टेक्निक आपकी सेम ही होगी। सो मैं आपकी ये वाली बुक जो है आपको फॉलो कराऊंगी। दूसरी उसके अलावा बाला ग्रोसमी की बुक है न्यूमेरिकल मेथड्स पे, फिर न्यूमेरिकल मेथड फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है आर डब्ल्यू हेमिंग की, ठीक है। तो ये मैंने तीन बुक्स आपके लिए लिखी हैं, इनमें से जो है बर्डन की बुक जो है वो थर्ड एडिशन, उसमें से मैं आपकी उसकी एक्सरसाइजेज में से आपको एक्सरसाइजेज दूंगी, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द सेमेस्टर यू विल बी गिवन फोर क्विजेस, ठीक है। क्विज का मतलब क्या होता है? सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। आपका टेस्ट कि आप जब काम कर रहे हो किसी दिन भी जब दिल चाहे ट्यूटर का, जब दिल चाहे टीचर का, वो आपसे एक टेस्ट ले सकता है। वो जो क्विज होगा उसकी 15 मार्क्स होंगे ओवरऑल, चार क्विज आप देंगे, चारों को मार्क किया जाएगा और उनकी एवरेज आउट ऑफ 15 जो है वो हम करेंगे। इसी तरह आपकी चार असाइनमेंट्स होंगी, आपने उनको करना है, आपकी एक्सरसाइजेज होंगी, आपके प्रैक्टिस के लिए भी होंगी और आप जब वो सबमिट करोगे तो उसमें चारों असाइनमेंट्स को मिला के आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 में से हम उसको मार्क करेंगे। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं। आप ये नहीं सोचेंगे बस ये कोई नहीं 15 मार्क्स हैं या 10 मार्क्स हैं, आपके सारे ग्रेड इन्हीं मार्क्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेशनल आपका लेंगे, फर्स्ट एग्जाम आपका होगा जो तकरीबन 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, और उसके फर्स्ट सेशनल में जो आपका जो है वो ड्यूरिंग द सेमेस्टर होगा
तो जो भी आपने उस वक्त तक पढ़ा हुआ होगा उसमें से आपका टेस्ट होगा और वो आपका 10 मार्क्स का अगेन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकंड सेशन तकरीबन उतना ही, 1/3 जब टाइम गुजरेगा तो फर्स्ट सेशनल होगा, 2/3 टाइम जब गुजरेगा तो आपका सेकंड सेशनल होगा, और उसके मार्क्स आपके पास जो हैं वो 15 होंगे। सो यहाँ तक आके आपके टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो 50 मार्क्स बनते हैं, और फिर फाइनल एग्जाम होगा और फाइनल एग्जाम के 50 मार्क्स हैं। तो सो मैंने जो आपसे कहा ना कि आपको मार्क्स के मामले में बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप कुछ भी मिस नहीं करो। जब कुछ भी मिस नहीं करोगे तो आपका एक ग्रेड आ सकता है, ठीक है। अगर आप कुछ मिस करोगे तो ऑब्वियसली आप एक दफा मार्क्स आपके ड्रॉप हो जाएंगे तो फिर वो दोबारा से पूरे नहीं होते, क्योंकि 10 या 15 मार्क्स तो निकल गए। अब जो बाकी बचे मार्क्स आपके 90 बजे या 80 बजे या 70 बजे, उसमें से फिर बाकी आपको मिलेंगे ना, तो वो फिर जाहिर है कि उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। सो अगर आप अपने ग्रेड्स को अच्छा रखना चाहते हो तो आपको हर हर चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। सो हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। ये तो सारा था कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरह करने जा रहे हैं, क्या क्या चीजें आप पढ़ने जा रहे हो, क्या आपको समझ आएगी और क्या है। अगर आपके पास जो है वो कैलकुलस की बुक है तो आप उसको रिवाइज कर लें, लेकिन ये है कि कुछ बेसिक डेफिनेशंस में भी आपको रिवीजन करवाऊंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का कोर्स। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं, रियल लाइफ के प्रॉब्लम ऐसे हैं, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि नॉर्मल इक्वेशंस से के सोल्यूशन उनके नहीं आते, उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। अभी इसी इक्वेशन को अगर आप देख लें कि अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जो कि ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल अंडर रूट, और इसको आपने इंटीग्रेट करना है ओवर एन इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 वेयर टी वेरीज फ्रॉम -1 to 1, तो इसका सोल्यूशन बड़ा मुश्किल है। ये एक आप नॉर्मल टेक्निक्स के साथ मैथमेटिक्स कैलकुलस पढ़ के किसी नॉर्मल टेक्निक से आप इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको याद होगा आपने कैलकुलस 1 पढ़ा था, रीमन उस इंटीग्रेशन आपने पढ़ी कि आपके पास क्या है कि आपने अपने जो भी फंक्शन है उसके आपने जो है वो एक छोटे छोटे रेक्टेंगल्स जो हैं वो ड्रा किए थे, और एरिया अंडर द कर्व आपने फाइंड आउट किया था कि हर स्मॉल रेक्टेंगल जो है उसका एरिया आप लेके उसको सम करते चले जाते हैं, और जब नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो हैं वो दे अप्रोच टू इन्फिनिटी तो आपका वो जो है सम जो है वो इंटीग्रेशन की तरफ कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है। इस तो वही कॉन्सेप्ट जो है, अब हम क्योंकि हम इंटीग्रेशन तो नहीं कर पा रहे तो हम उसी कॉन्सेप्ट को लेके वो स्मॉल इंटीग्रेशन स्मॉल एरियाज जो हैं वो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में अगर आप डिफरेंस फाइनल डिफरेंस मेथड यूज करते हो या आप इसको करते हो तो ये इसमें डिस्क्रीट पॉइंट होते हैं। तो आपको याद होगा कि अगर हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन को देखें जो कि हमारे पास, अगर मैं आपको याद करवाऊं तो वो क्या थी कि आपके पास कोई भी अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उसके नेबरहुड में एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक वैल्यू है, तो हमारे पास क्या था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, और लिमिट व्हेन एच गोज टू 0। क्या है कि आपके पास यहाँ पे अगर एक फंक्शन है, ठीक है, मैंने ये फंक्शन ले लिया, ये मेरे पास एक्स आ गया और ये मेरे पास वाई आ गया और वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, आपके पास ये कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ एक्स और यहाँ पे एक और पॉइंट ले लूँ और ये अगर ये डिस्टेंस मेरे पास एच है तो क्या होगा कि ये पॉइंट आपके पास ये पॉइंट ये फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स है ये वैल्यू, ठीक है, और ये जो ये पॉइंट आएगा ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, आपके पास यहाँ वैल्यू है। तो व्हेन दिस एच अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब क्या है कि ये एक सीकेंट लाइन है और इसको हम यहाँ से इन दोनों पॉइंट से मिलाते हैं, और व्हेन दिस एक्स एच अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब ये है कि ये जो एच है ये इस साइड पे जाता जाएगा और आपके साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी इधर मूव करती चली जाएगी, ठीक है, और ये इतना छोटा होता जाएगा, सो मच सो कि ये आके इससे कॉइंसाइड कर जाएगा। और यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन बनती है, पहले तो ये सीकेंट लाइन थी क्योंकि
दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही थी, लेकिन जब ये अप्रोच कर जाएगा जीरो को तो आपके पास एच जीरो हो जाएगा, तो आप यहाँ पे अप्रोच कर जाओगे, तो जो लाइन होगी दैट विल बी ओनली द टेंजेंट लाइन, के वो सिर्फ एक पॉइंट को क्रॉस को टच करेगी, ठीक है। सो आपके पास जो ये वाली वैल्यू है इसको आप कहते हो कि दिस इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इस तरह भी हम शो करते हैं, इसके अलावा डी एफ बाय डी एक्स से भी शो करते हैं। ये हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी जो कि आपने कैलकुलस में पढ़ी, और ये इसके लिए आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस होना जरूरी है, ठीक है। और ये आपके पास जो है फंक्शन की वैल्यू, जो डेरिवेटिव की फंक्शन है एट पॉइंट एक्स जो है वो कैलकुलेट होती है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब यहाँ हम ये करेंगे, यही कॉन्सेप्ट हमने लेना है, और हम डेरिवेटिव भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये लिमिट जो है ये हम इसको हटा देंगे। अब हमारे पास ये दो डिस्क्रीट पॉइंट आ गए, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया, और इन दो पॉइंट्स को जब हम करेंगे, और जब फॉर व्हेन एच इज वेरी स्मॉल, जितना एच बड़ा होगा, ठीक है, जितना एच बड़ा होगा उतना ही आपके पास जो है एरर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप तो डेरिवेटिव की बात कर रहे हो ना, डेरिवेटिव तो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, डेरिवेटिव आपका टेंजेंट लाइन है। सो आप क्या कर रहे हो कि आपके पास जो है ये एच अगर बहुत स्मॉल हो जाएगा, जो हम ये लिमिट की बात कर रहे हैं, जब बहुत स्मॉल होगा तो आपके पास जो है उसी डेरिवेटिव को आप, ये दो डिस्क्रीट पॉइंट हैं, ये डेरिवेटिव जो है ये आपका वही डेफिनेशन के साथ हम जब न्यूमेरिकली कंप्यूट करेंगे तो हम इसको जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में अगर जीरो आएगा तो ये अनडिफाइंड होगा। सो वी कैन टेक एनी वैल्यू विच इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो हम एच की कोई स्मॉल वैल्यू लेके हम डेरिवेटिव को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और हम उसकी ये जो है कंडीशन के व्हेन एच इज इक्वल टू जीरो और एच अप्रोचेस टू जीरो हम नहीं लेंगे, लेकिन हमें एच की वैल्यू स्मॉल लेनी पड़ेगी। सो हम यही कॉन्सेप्ट जो है वो लेके न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की बात करेंगे, और न्यूमेरिकल, अब यहाँ देखिए एक और चीज जो मैं आपको बताऊं कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा टेलर सीरीज, ठीक है, आपने टेलर सीरीज, ठीक है, ये आपने पढ़ा है, वो टेलर सीरीज जो है इस सारी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की बेस है, उसकी जो है ना, इसके बगैर अगर ये टेलर ने ना सीरीज डिफाइन की होती तो शायद न्यूमेरिकल जो है वो इस उसमें इतना आसान लोगों के लिए ना होता। सो अगर आप ये देखें कि टेलर सीरीज आपको क्या कहती है, कि अगर आपके पास किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आपको मालूम है, फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो इसके नेबरहुड में आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यही बेस जो है वो आपकी बनी है। सो हम बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि कोई भी मुश्किल प्रॉब्लम हो जो कि हम मैन्युअली या हाथ से किसी भी कैलकुलस के मेथड से अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो हम उसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अभी बहुत सारे मेथड आ गए हैं अप्रोक्सीमेट मेथड्स, या उसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो सबकी ऑथेंटिसिटी इसी तरह से है जैसे न्यूमेरिकल की है। सो हम क्या है अप्रोक्सीमेट मेथड में, अगर आप देखें, अगर नेट पे जाएं तो आप कर सकते हो, होमोटॉपी पर्टर्बेशन मेथड है, होमोटॉपी एनालिसिस मेथड है, वेरिएशनल अल्टरेशन मेथड है, या पर्टर्बेशन टेक्निक्स हैं, तो ये हम उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर हम उस मेथड से सॉल्व करें और न्यूमेरिकली भी सॉल्व करें तो हमारे लिए ये आसानी हो जाती है कि हमारे पास कंफर्मेशन आ जाती है कि आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो सही है। अगर ऐसे है कि मतलब फर्ज करें कोई आपके पास सोल्यूशन कन्वर्ज नहीं कर रहा है, कोई और वैल्यू दे रहा है, तो आपके पास कोई जो है उसका चेक करने का अदरवाइज मेथड नहीं होगा। सो इसीलिए हम एरर एनालिसिस की भी बात कर रहे थे कि एरर एनालिसिस को जानना भी बहुत जरूरी है। सो हमारे पास ये एक इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन नहीं है, सो हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे इस डेरिवेटिव की पावर 3 है। सो जो ये पावर है, अगर इसकी पावर 1 हो, जो भी आपके पास, ये आपके पास u जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो अगर u की पावर जो है वो सिंगल रहे तो आपकी इक्वेशन लीनियर कहलाती है, अगर वो उसकी पावर एक के अलावा कुछ हो तो वो नॉन लीनियर है। अब यहाँ इसकी पावर, डेरिवेटिव की पावर जो है वो 3 है, सो दिस इज इक्वेशन इज नॉन लीनियर,
और इसका नॉर्मल सॉल्यूशन जो है कैलकुलस में नहीं होता, अभी तक नहीं है, बहुत मुश्किल है इसको फाइंड आउट करना. सो हम इसको न्यूमेरिकली या किसी अप्रॉक्सीमेट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये एक इक्वेशन है जो कि फ्लूड मैकेनिक्स में थर्ड ग्रेड फ्लूड के लिए इक्वेशन बनती है. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सॉल्यूशन इज टू रिड्यूस द ओरिजिनल प्रॉब्लम टू अ रेपिटेशन ऑफ द सेम स्टेप और सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है, सो दैट द कंप्यूटेशंस बिकम ऑटोमेटिक. अब ये है कि देखें, एक रैंडमली आपने शायद मैट्रिक्स जो है वो लीनियर अलजेब्रा में सॉल्व की होंगी, छोटी छोटी मैट्रिसेस, उसमें ये होता है कि आप देखते हो कौन सी आसान है, कौन सा कॉलम या कौन सा रो जो है वो आसान है एलिमिनेट करनी, तो आप उसको कर लेते हो, तो आप अपने रैंडम कैलकुलेशन कर रहे होते हो. लेकिन न्यूमेरिकल जो मेथड्स हैं उसको हम आसान तरीन बनाना चाहते हैं. हम ये नहीं कर सकते कि हम हर स्टेप के लिए कोडिंग करें, हर स्टेप के लिए कोई एल्गोरिथम लिखें. सो हम क्या करते हैं कि उसको सिस्टमेटिक हम करते हैं, और सिस्टमेटिक करने से क्या है कि आपकी सीरीज ऑफ स्टेप्स हो गए, या रेपिटेशन ऑफ सेम स्टेप है या सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसको आप करके, तो आप उसको कंप्यूटेशन जो है न्यूमेरिकल कर सकते हो. सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है. जो ये रेपिटेशन है, जो आप एल्गोरिथम लिखोगे, जो आप प्रोग्राम लिखोगे, वो उसको जो है उसको हम न्यूमेरिकल मेथड कहते हैं. एंड अ न्यूमेरिकल मेथड विच कैन बी यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विल बी कॉल्ड एन एल्गोरिथम, ठीक है. तो ये है, एन एल्गोरिथम इज अ कंप्लीट एंड अनएम्बिगुअस सेट ऑफ प्रोसीजर्स लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है, कि आपके उसके मैथमेटिकल कोई भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को, द सिलेक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम, ठीक है, कि आपके पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं. मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे मेथड हम आपको इसमें समझाएंगे, तो कौन सा आपने यूज करना है ये आपकी जब पढ़ेंगे तो फिर सेंसिबिलिटी भी डेवलप हो जाएगी कि कौन सा बेहतर है, कौन से में क्या कमी है, क्या चीज जो है वो गड़बड़ है. सो आप क्या करेंगे कि आपको अप्रोप्रिएट जो है वो मेथड सेलेक्ट करना होगा, तो आप उससे क्या होगा, प्रॉपरली फॉल्स विद इन द डिसिप्लिन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस. द सिलेक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम्स प्रॉपरली फॉल विद इन द डिसिप्लिन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस. तो आपका उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे कि कौन सा मेथड आपके लिए अप्रोप्रिएट है, कौन सी टेक्निक आपके लिए बेहतर है. हर हर मेथड हर प्रॉब्लम के लिए यूज हो भी नहीं सकता, ठीक है. कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए एक मेथड ज्यादा बेहतर है, कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए दूसरा मेथड बेहतर होगा, तो इसलिए आपको वो सिलेक्ट करने के लिए. लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको सेंसिबिलिटी हो जाएगी. हैविंग डिसाइडेड ऑन अ स्पेसिफिक एल्गोरिथम, कि एक दफा जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये एल्गोरिथम यूज करना है, और सेट ऑफ एल्गोरिथम्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल एनालिसिस शुड कंसिडर ऑल द सोर्सेज ऑफ एरर्स. एरर भी आपको देखनी पड़ेगी ना कि एरर कैसे आ रही है, ठीक है, मतलब ज्यादा है, प्रोपोगेट करके बढ़ती जा रही है या प्रोपोगेट करके डिमिनिश होती जा रही है, कम होती जा रही है. अगर कम होती जा रही है तो वेल एंड गुड, अगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली आप कहीं और जा रहे हो, आपको सोल्यूशन सही नहीं मिलेगा. सो क्या करेंगे कि हैविंग डिसाइडेड ऑन अ स्पेसिफिक एल्गोरिथम और सेट ऑफ एल्गोरिथम्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल एनालिस्ट शुड कंसिडर ऑल द सोर्सेज ऑफ एरर्स दैट मे अफेक्ट द रिजल्ट्स. दे मस्ट कंसिडर हाउ मच एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड. अब देखिए, मतलब जिस तरह मैंने सेटेलाइट की बात की, तो चंद मील का डिस्टेंस जो है उसके लिए इतनी बड़ी दुनिया के गिर्द आपका वो जो सेटेलाइट है या जो स्टार है वो चक्कर लगा रहा है, तो उसमें कुछ माइल्स तो फर्क नहीं पड़ता. लेकिन क्या होता है कि अगर आपके कोई छोटी सी कोई इस पे बहुत ही डेलिकेट सी चीज है, तो उस पे जो है इवन सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स जो हैं उनका भी इफेक्ट जो है वो आपको प्रॉब्लम करने लगेगा. सो हमें ये भी देखना होगा कि हमें किस हद तक एक्यूरेसी चाहिए. टू एस्टीमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द राउंड ऑफ एंड डिस्क्रिटाइजेशन एरर, के आपके राउंड ऑफ, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बहुत सारे उसमें डेसिमल पॉइंट प्लेसेस के बाद बहुत से नंबर आएंगे या बहुत से लेंथ ही कोई वैल्यू होगी, तो आपने कहाँ तक उसको लिमिट करना है,
जो कैलकुलस में है ना, वो तो आप इनफिनिट नंबर तक आप लिख सकते हो। आप जिस तरह पाई की वैल्यू अगर आप लिखते हो, तो उसको चलते चलते जितना मर्जी आप लिखते चले जाओ। कंप्यूटर में ऐसे नहीं होता, कंप्यूटर में आपको एक फाइनेट नंबर जो है, आप फाइनेट नंबर्स जो हैं वो आपको लिखने होते हैं। सो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप वो फाइनेट नंबर कहाँ तक रखना चाहते हो, कहाँ तक नहीं रखना चाहते, वो भी एरर पे एरर की वो होगा, उससे एरर आपकी जो है वो रिजल्ट इफेक्ट होंगे। फिर ये है कि डिस्क्रिटाइजेशन, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जब उसको आप फाइनेट किसी भी एल्गोरिथम में लिखना चाहोगे, तो आप उसकी उसको डिस्क्रिटाइज करोगे उसके डिस्क्रीट पॉइंट्स पे। जैसे मैंने कहा ना कि आपने डेरिवेटिव को एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच रखा है, तो ये उसकी डिस्क्रिटाइजेशन है कि एक एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस एच पे है, दूसरी एक्स पे है, और फिर उसके बाद उस लेंथ से जब आपने किया, तो ये उसकी डिस्क्रिटाइजेशन है कि दो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे, एक एक्स प्लस एच पे और एक एक्स पे, आपके पास फंक्शन की वैल्यू है, तो ये डिस्क्रिटाइजेशन का एरर कि अगर एच स्मॉल होगा तो एरर कम होगा, एच लार्ज होगा तो उसकी एरर जो है वो भी लार्ज होगा। और इसी तरह से और बहुत सारे तरीके हैं, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको दी थी। तो इसी तरह से डिस्क्रिटाइजेशन एरर्स को भी आप देखेंगे, डिटर्मिन इन अप्रोप्रिएट स्टेप साइज आर द नंबर ऑफ इटरेशंस रिक्वायर्ड, ठीक है, कि दे मस्ट एनालिस्ट न्यूमेरिकल एनालिस्ट मस्ट कंसिडर हाउ मच एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द राउंड ऑफ एंड डिस्क्रिटाइजेशन एरर, डिटर्मिन एन अप्रोप्रिएट स्टेप साइज आर द नंबर ऑफ इटरेशंस रिक्वायर्ड, ठीक है। स्टेप साइज यही है कि उसमें जो मैंने आपको बताया था, एच जो है वो आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के दरमियान जो डिस्टेंस आपने रखा था, दैट वाज द स्टेप साइज। इसी तरह से अगर आप दो टाइम्स के कोई डाटा कलेक्ट करते हो, डिफरेंट टाइम्स पे करते हो, तो एक टाइम जहां आपने डाटा कलेक्ट किया और नेक्स्ट टाइम जहां आपने डाटा मैयर किया, उसके दरमियान जो टाइम डिफरेंस है, दैट इज द टाइम स्टेप, ठीक है, आपका वो स्टेप साइज है। तो ये स्टेप साइज जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कितना आप जो है वो लंबा ले सकते हो, कितना बड़ा ले सकते हो, कितना छोटा ले सकते हो, और द नंबर ऑफ इटरेशंस रिक्वायर्ड के कितनी आपको वो स्टेप्स जो है बार बार चलाने पड़ेंगे ताकि आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेसी की तरफ जाए। तो ये सारी चीज़ें अभी तो मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें सही तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। स्टेप साइज और द नंबर ऑफ इटरेशंस रिक्वायर्ड प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट चेक ऑन एक्यूरेसी, ठीक है, एंड मेक अलाउंस फॉर करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ नॉन कन्वर्जेंस, ठीक है, कि आपको जब वो एक्यूरेसी और ये सारा कुछ आप देखेंगे, तो आपको फिर जो है ना आप श्योरिटी करेंगे कि आपका सोल्यूशन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना, आपको उसके लिए क्या करना, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस अ वे टू डू हायर मैथमेटिक प्रॉब्लम्स ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस इज अ वे टू डू हायर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स ऑन अ कंप्यूटर, ए टेक्निक वाइडली यूज बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, जो कि नॉर्मल नहीं होते, ठीक है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जिस तरह से आपने जहाज बनाना है, आपने सैटेलाइट भेजना है, आपने कोई काम भी करना है, तो उसमें अभी तो कंप्यूटर आने के बाद इवन बायो साइंसेज में भी हर जगह जो है वो मैथमेटिक्स के इन्वॉल्वमेंट के बगैर आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो आप जो है ये सब के हर चीज़ जो है वो एक जो भी प्रॉब्लम होता है उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, उससे इक्वेशन बनती है, इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो, और फिर उसके जो डेटा आपको मिलता है, जो फंक्शन आपको मिलता है, उससे आप उसकी जो प्रॉब्लम होता है उसकी जो है उसको इंटरप्रेट करते हो कि वो आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर जो है वो नंबर्स पे खेलता है, नंबर्स जो है वो हमें न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिक्स जो है वो उसके साथ हमने प्ले करना है, जो कि किस तरह से प्ले होगा आप देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, कि हमने नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इन एवरीडे लाइफ वी यूज नंबर बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, ठीक है, 2.4, 3.5, 6 पॉइंट जो है वो डेसिमल सिस्टम है। हम हमेशा जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आराम से जो है नंबर्स को यूज कर रहे होते हैं। दस अ नंबर 257 फॉर एग्जाम्पल इज एक्सप्रेसिबल एज
ठीक है, 257 है, 257, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 जो है 200 है ना, तो हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीन्स कि 50 है, 50 का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 7 सिर्फ 7 डिजिट है, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हम 257 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट किया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या है, 10 स्क्वायर, ठीक है, 10^2 जो है वो आपको 100 देता है, ठीक है, तो आपका जो 2 है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10^2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10^1, ठीक है, 10 है तो 10 को की पावर 1 होगी तो आपको वही चीज़ देगा, फिर 7 है, अब 1 जो है आपको पता है किसी चीज़ की भी पावर अगर 0 होगी तो वो आपको हमेशा 1 रिजल्ट देगा, कोई भी बड़ी से बड़ी आपकी वैल्यू हो, कुछ भी हो, जब आप उसकी पावर को 0 कर देंगे तो आपको उसका सोल्यूशन 1 मिलेगा। सो हम 10 जो है उसकी पावर 0 ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ भी हमारे पास देखिए 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी हमने 10 रखा है, सो 1 जो है 10^0 हो गया, यहाँ 1 हो गया और ये 2, तो देखिए आप अगर देखें तो ये बड़ा मज़ेदार सा एक पॉलीनोमियल बन गया, सो वी कॉल दिस 10। अब ये 10 है ना, 10^2, 10, 10^0, तो हम इस 10 को क्या कहते हैं, द बेस ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, ये बेस जो है ये आपकी इस सिस्टम की जो 257 है, इसीलिए हम ये कहते हैं ना कि हमारे ये जो डेसिमल सिस्टम है इसकी बेस हमेशा 10 होती है, और इस सिस्टम को हम ये 10 को हम बेस कहते हैं इस सिस्टम की। एनी इंटीजर इज एक्सप्रेसिबल एज अ पॉलीनोमियल, मैंने आपसे कहा ना कि देखें ये आपके पास कोई भी ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए अगर मैं इसको एक्स कह दूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपके पास एक पॉलीनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री बन गया, सो दिस एनी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉलीनोमियल इन द बेस 10 विद इंटेग्रल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब क्या है, आप देखिए कि आपके पास जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से 9 तक हैं, बेस 10 है, सो आपके तमाम के तमाम ये कोएफिशिएंट जो हैं जीरो होंगे या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उससे आगे नहीं, फिर वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। सो आपके पास अगर बेस 10 है तो आपके पास जितने भी कोएफिशिएंट हैं वो 0 से 9 तक होंगे। वी यूज द नोटेशन एन, कोई भी नंबर, ठीक है, ये आपने 257 नंबर लिया, एन कोई भी नंबर है, फर्ज करें कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कोई भी नंबर में लिख रही हूँ, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर में लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कह सकती हूँ कि लेट अस से ये मेरे पास था, क्योंकि मैंने ये आप देखिए यहाँ ये नंबर है 7, 7 के साथ जो 10 है उसकी पावर 0 है, सो मैं अगर इसको लिख लूँ, लेट अस से मैं इसको किसी भी नंबर को ए नाट इसके कोफिशेंट कह दूँ, ठीक है, इसको मैं ए नाट कह रही हूँ, इसको ए वन कह रही हूँ, इसको ए टू कह रही हूँ, यहाँ मैं इसको ए नाट कह दूँ, इसको ए टू कह दूँ, सॉरी ए वन कहूँ, ये मेरे पास ए टू हो जाएगा, ये ए थ्री हो जाएगा, ये ए फोर हो जाएगा, ये ए फाइव हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास ये क्या है, ये आपके पास है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 0 है ना, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो दूसरा क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 5, और इसके बाद 0 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 0 हैं, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 0 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 0 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10^1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10^4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10^3 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10^2 प्लस 8 10 मल्टीप्लाइड
ये 1 हो गया 2 क्योंकि मैं इसको चलाती जा रही हूँ, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 0। तो आपके पास क्या है, ये पॉलिनामियल आ गया। अब इसको मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ देखिए, तो ये आपके पास आ गया ए 5, ए 4, ए 3, ए 2, ए 1, ए 0। और क्या है इसकी बेस, क्या है मैं यहाँ पे लिख दूंगी 10। सो इसकी बेस आपके पास 10 आ गई। सो यहाँ पे मैं यही कह रही हूँ कि अगर ये कोई कोई भी n नंबर है, इसको मैं n कह सकती हूँ। जब मैं इसको n कहूँगी तो मेरे पास ये जो n है वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब कोई भी नंबर है, मैंने ये 5 डिजिट्स ले लिए, ठीक है, 6 डिजिट ले लिए, लेकिन क्या है कि मैं कोई भी डिजिट ले सकती हूँ। इट कैन बी 10, इट कैन बी 100, इट कैन बी 1000, इट कैन बी एनी नंबर। सो मैं किसी भी नंबर को इस तरह से लिख सकती हूँ कि ये आपके पास क्या है, ये एक n है, फिर n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, n, और फिर ये चलता जाएगा n नॉट। जिस तरह मैंने कहा ना कि ये आखिरी नंबर नॉट है, a नॉट, ये a 1 है, ये a 2 है, फिर इसी तरह से a 3, a 4, a n, कोई भी नंबर है n। तो अगर आपके पास n जो है वो आपके पास यहाँ पे 0, 1, 2 है, तो अगर n आपके पास 2 होगा तो क्या होगा कि आपके पास a 2, a 1, a नॉट है। फिर इसी तरह से अगर a 7 है तो आपके पास 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से ये नंबर आएंगे। सो इसके साथ जो भी इसकी बेस है हम उसको उसके साथ लिख सकते हैं। सो इसको अब ये जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इसको आप लिख सकते हो कि दिस इज ए एन मल्टीप्लाइड बाय 10। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दोबारा से दिखा सकूँ तो क्या है कि a 5 था तो इसकी पावर 5 थी, 4 था तो इसकी पावर 4 थी, 3 था तो इसकी पावर 3 थी, 1 है तो इसकी पावर 1 है, और यहाँ पे नॉट है तो पावर 0 है। सो इसी चीज़ को जो है वो अगर मैं देखूँ तो मैं इसी को इसी तरीके से लिख रही हूँ कि a n है तो उसके साथ 10 पावर n है, a n माइनस 1 है तो उसकी पावर 10 n माइनस 1 है, और ये सारा इसी तरह से चलता जाएगा, और a नॉट है तो उसके साथ 10 की पावर नॉट है। सो हम किसी भी नंबर को इस तरीके से पॉलिनोमियल के तौर पे लिख सकते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स दे रीड पल्सेस सेंड बाय इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, कि क्या है कि मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं वो पल्सेस लेते हैं, और वो जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो उनके जो हैं वो उसमें बनती हैं, और वो क्या है, द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज आइदर ऑन और ऑफ। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ दो लेता है, ऑन और ऑफ, और उसको हम सिर्फ और सिर्फ जो है रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर्स में कि आपके पास सिर्फ दो नंबर हैं, एक तो जीरो हो गया। जब दो नंबर हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपके पास नंबर हैं तो एक जीरो है, दूसरा वन है, क्योंकि आप स्टार्ट इधर से कर रहे हो और आप इधर से एन तक जाते हो, ठीक है। तो आपके पास अगर दो ही नंबर हैं, ऑन और ऑफ है, तो हम उसको डिजिटल जो है डिजिट में जीरो और वन कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऑन ऑफ को अगर हम जीरो ले लें तो कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट द नंबर्स इन कंप्यूटर इन द बाइनरी सिस्टम। बाइनरी का मतलब क्या हुआ, दो, तो बाइनरी सिस्टम में जिसकी बेस टू होगी, हेयर द बेस इज टू एंड द इंटीजर कोफिशियंट मे टेक द वैल्यूज जीरो एंड वन, ठीक है, कि सिर्फ ऑन ऑफ जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो सिर्फ इसी में चल रही होती हैं। होता क्या है कि हम कोई भी फीड करते हैं, आप कंप्यूटर क्योंकि इतने एडवांस हो गए हैं, शुरू में शायद इस तरह के प्रॉब्लम्स आते थे कि आपको उसको कन्वर्ट करके देना पड़ता था, लेकिन अभी उसके इनसाइड द कंप्यूटर जो उसका जो भी सिस्टम चल रहा होता है वो सारे के सारे जो भी आप उसको वैल्यू देते हो वो उसको कन्वर्ट करता है जीरो और वन में या ऑन और ऑफ में, ठीक है, कन्वर्ट करता है, सारे सोल्यूशन सारी कंप्यूटेशन करता है, उसको वापस डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करता है, और फिर उसका रिजल्ट आपके पास पहुंचता है। सो उसके बैक ऑफ द एंड क्या हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑन और ऑफ के दो उसके पास हैं ऑप्शंस। उसके अलावा कुछ सिस्टम जो हैं वो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पे भी चलते हैं। सो ये जो चीज़ है ये हम उसको उसी हवाले से देखेंगे। सिर्फ देयरफॉर अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एन विल बी रिप्रेजेंटेड इन द बाइनरी सिस्टम एज एन इज इक्वल टू, उसी तरह से ए एन और ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए नॉट,
टू द पावर विद द बेस 2 है. अब क्या था, हमने जब डेसिमल की बेस की बात की थी तो हमने कहा था कि उसके जो नंबर हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक हैं, फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं. अब जब बेस 2 है तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो 0, 1, 0, 1, 0, 1 ही होंगे, इससे अलावा नहीं हो सकते. कितने ही नंबर क्यों ना हों, आपके पास सिवाय 0 और 1 के कोई और नहीं होगा. सो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए एन मल्टीप्लाई बाय 2^n. पहले बेस 10 था तो यहाँ 10 था, इसकी पावर और इसका सबस्क्रिप्ट दोनों का सेम है, प्लस ए एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई बेस, और ये आपके पास आ गया. और इसी तरह से ये आपके पास टोटल जो है वो इसकी, इसको एज अ पॉलिनामियल विद बेस 2 जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर द कोफिशियंट ए के आर आइदर 0 और 1. नोट दैट एन इज अगेन रिप्रेजेंटेड एज अ पॉलिनामियल बट नाउ इन द बेस 2. Many computers used in scientific work operate internally in the binary system. ठीक है, user of computers however prefer to work in more familiar decimal system. वही बात जो मैं अभी आपसे कर रही थी वही मैंने लिखी भी है. Then computer converts their inputs to base 2 or perhaps base 16. वही मैंने कहा hexadecimal है या octal है, और फिर then perform base 2 arithmetic and finally translate the answer into the base 10 before it print it out to them, to the user. ठीक है, conversion of the binary numbers, कि हम binary number को किस तरह convert करते हैं. Obviously हम mathematician हैं, हमें उसके अंदर की चीजों का समझ आनी चाहिए ताकि हम अपने algorithms को ज्यादा proper तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से उसका error analysis कर सकें, सब कुछ कर सकें. So हमें थोड़ा सा इसके मतलब भी knowledge होनी चाहिए. So binary conversion of the binary numbers to decimal numbers may be accomplished from the above definition as. अब देखिए आपके पास एक नंबर है 1, 1 और इसकी बेस 2 है, इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. आपके पास क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2^1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2^0. आपके पास दो ही नंबर है ना, तो एक 0 है, ए नॉट है, एक ए 1 है. सो ए नॉट आपका 1 है, ए 1 भी 1 है, और इसके जो है पावर 0 है और 1 है. सो इसका क्या है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 2, ये 2^0 1 होगा, तो 1 आपके पास ये आएगा. सो ये है 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3. सिमिलरली आपके पास एक और नंबर आ गया है, दिस इज 1, 1, 0, 1 और इसका बेस 2 है. सो इसको हम किस तरह से करेंगे, अब देखिए ये नॉट 1, 2, 3. सो ये वाला जो है ए, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 2^3 से. ठीक है, ये ए 3 है आपके पास. फिर आपके पास नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2^2 प्लस अगला जो है डिजिट आपके पास 0 है. सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2^1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2^0. अब यहाँ देखिए कि 2^3 मीन्स 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8. सो आपके पास ये 8 आ जाता है. फिर ये आपके पास क्या आता है, 4 आता है, 8 प्लस 4 12. ये आपके पास 0 हो गया और ये 1 हो गया. सो 12 प्लस ये वाला 1 जो है ये मिला के आपके पास 13 नंबर आता है. सो आपके जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी नंबर्स हैं, वो आपके डेसिमल में कन्वर्ट हो गए. अब डेसिमल नंबर को आप कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, आप देखिए कि आपके पास है 187. ठीक है, तो आपके पास इसको आप कन्वर्ट कीजिए 187 टू द बेस 10, डेसिमल सिस्टम है. इसको हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10^2 क्योंकि ये ए नॉट 1, 2 है. सो ये आपके पास आ गया 2 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10^0. अब क्या है कि हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 10 जो है, अगर 10 को हम बाइनरी से कन्वर्ट करें तो आपके पास 10 है. इसको देखिए डिवाइड कीजिए 2 से, 2 5 ज़ार 10 और यहाँ पे आपके पास 0 आ जाता है. फिर 5 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 2 ज़ार 4 और ये 1 आ गया. फिर आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 1 और ये 0. सो आपके पास क्या है, जब बेस आपकी 2 बनी तो ये आपके पास जो है 10 जो है 1 0 1 0 आएगा. सो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये आ गया दिस और ये 1 0 1 0. ठीक है, इसकी बेस 2 है और यहाँ पे पावर 2 है
फिर इसी तरह से अगर हम 8 को लें तो हमारे पास क्या है, 8 का बाइनरी सिस्टम उसमें देखें किस तरह कन्वर्ट होगा, तो ये 4 0, फिर 2 2 जार 0, फिर 2 1 0, सो 1000. तो आपके पास जो है 8 है, 1000 है टू द बेस 2, और इसकी पावर 1 है, तो वो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता. और फिर उसके बाद सॉरी, 8 का जो है वो बाइनरी सिस्टम में इस तरह कन्वर्ट हुआ, और 10 जो है हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके थे, सो इसकी पावर जो है 1 है. और फिर आप फिर अगेन 7 को कन्वर्ट कीजिए, तो 7 आपके पास कन्वर्ट होता है 7 2 2 3 जार 6 और 1, फिर 2 1 1, तो आपके पास 1 1 दिस, तो ये आपके पास जो है कन्वर्ट होके आपके पास 1 1 1 टू द बेस 2. अब क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट हो गया ना, तो बेस, और फिर ये आप इसकी वही वाला है जो 10 को हमने कन्वर्ट किया, अब बेस की पावर 2 है. अब यहाँ आप देखिए कि इसकी पावर 0 होने का मतलब ये है कि ये अल्टीमेटली 1 ही होगा, और जो कि बाइनरी सिस्टम में मौजूद है. बाकी यहाँ इसकी पावर 2 है, यहाँ इसकी पावर 1 है, सो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं. जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये है, एक क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, जिस तरह नॉर्मल हम कैलकुलेशन करते हैं, हमने एक इसमें से कॉमन ले लिया और जो बाकी है यहाँ पे एक बच गया, और प्लस जो है वो आपके पास ये वाला बच गया, क्योंकि ये तो हम कॉमन ले चुके और ये आपके पास आ गया. और फिर अगला जो है वो आपके पास ये वाला मौजूद है, क्योंकि ये तो इसकी वैल्यू तो 1 थी, जस्ट हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए लिखा था. सो आपके पास क्या आ गया कि ये 101 जो है ये है. इन दोनों को ऐड कीजिए. अब इन दोनों को आपने ऐड किया तो क्या होगा, 0 0 0 रहेगा, 0 और 1 जब प्लस किया तो 1 हो गया, फिर 0 और 0 हो गया, और इसको 1 और 1 जब प्लस किया तो 2 हो गया. लेकिन बाइनरी में 2 का मतलब क्या है, 1 0. अगर 2 को हम करते हैं तो 2 1 0, ठीक है, तो ये 1 0. सो हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये एक 0 और 1 जो है हमारे पास एक्स्ट्रा इसमें आ गए, ठीक है. और फिर आपके पास ये है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दो को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो हम ये करके देखते हैं कि हमारे पास जो है ये है 1 0 0 1 0, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 0 1 0 से, तो वो बिल्कुल वही बेसिक बच्चों वाली मल्टीप्लिकेशन है. हम इसको करने जा रहे हैं 0 0 0 0 एंड 0, क्योंकि ये 5 0s हैं, सो जब 0 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा जो है वो 0 1 0 0 और 1 हो गया. जब हमने फिर अगेन 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0 5 0 आ गए, और फिर उसके बाद हमने जब 1 से किया तो 0 1 0 0 और 1. तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पहला हमारे पास आ गया 0, दूसरी दफ़ा में ये हमारे पास फिर अगेन 0 आ गया, थर्ड टाइम जो है ये 1 आ गया, फोर्थ टाइम आपका 0 आ गया, फिफ्थ टाइम आपका 1, अगेन 1, और ये 0 और ये 1. तो ये हमारे पास जो है ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, ये आपकी बेस जो है 1 0 1 0 1 0 0. तो आप देखिए कि हमारे पास एग्जैक्टली यही है 1 0 1 0 1 0 0, और इसकी बेस 2 है, और इसके साथ हमें अब इसको ऐड करना है. जब इसको हम ऐड करेंगे तो आप देखिए कि 1 और 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 और 1 2 हुआ, तो ये आपके पास यहाँ 0 या 1 1 1 0 1 आएगा. सो हमारे पास जो है इसकी सारी कन्वर्शन जो है 187 डेसिमल पॉइंट की जो है, डेसिमल नंबर की जो कन्वर्शन है इन बाइनरी नंबर, वो आपके पास ये आ गई, ठीक है. सो हम डेसिमल नंबर सिस्टम को किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ये आपने इसको चेक कर लिया. और आपको बाइनरी से भी हमने बताया कि डेसिमल सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं. इन द मशीन लैंग्वेज ऑक्टल एंड हेक्सा डेसिमल सिस्टम आर आल्सो यूज्ड. मैंने आपको यही कहा, ऑक्टल में आपकी बेस 8 होती है, हेक्सा डेसिमल में आपकी बेस जो है वो 16 होती है, वो भी यूज होते हैं. ऑक्टल हेक्सा डेसिमल सिस्टम दे आर क्लोजली रिलेटिव टू द बाइनरी एंड कैन बी ट्रांसलेटेड टू एंड फ्रॉम बाइनरी इजीली. एक्सप्रेशन इन ऑक्टल एंड हेक्सा डेसिमल आर शॉर्टर
देन बाइनरी, ठीक है। कि आपके देखें ना, आप बाइनरी में 0101 करते हैं तो आपके पास 187 में भी अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी डिजिट्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको कंप्यूटर में इतनी स्टोरेज तो चाहिए ना, हर नंबर के लिए एक स्टोरेज चाहिए कि आपके पास जो है 187 में आया। तो अगर आप इसकी बेस 8 कर लें या इसकी बेस 16 कर लें तो ऑब्वियसली आपका जो स्पेस है वो काफ़ी सारी बच जाएगी और आपके नंबर जो हैं वो छोटे बनेंगे। एक्सप्रेशन इन ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, दे आर शॉर्टर देन द बाइनरी, सो दे आर इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। हेक्साडेसिमल आल्सो प्रोवाइड्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ अ मेमोरी स्पेस फॉर रियल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि आपकी स्पेस कम हो रही है ना, तो मेमोरी जो है वो उसके हिसाब से भी ठीक। अब इसी तरह से हम दोबारा से देखते हैं कि हम इन सिस्टम में हम किस तरह एक नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। वही नंबर दोबारा मैं ले रही हूँ, 187 टू द बेस 10। जब हम उसको पहले तो हम उसको लिखेंगे डेसिमल सिस्टम में जो हमने पहले भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं ऑक्टल नंबर में, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 8 है, बेस 8 हो गया, तो 1 टू द बेस 8। अब देखिए बेस 8 जब होगा तो आपके पास नंबर कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। 8 जो है फिर दोबारा से 0 को रिपीट करना शुरू कर देता है कि 8 इटसेल्फ जो है वो 10 के उसमें आ जाएगा। तो उसी तरह से आपके पास देखिए कि जो 10 है, जब आप 10 को ऑक्टल सिस्टम में करेंगे तो 8, ठीक है, ये क्या है, 8 8 1 0 है और 2 रिमाइंडर है, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, 1 2 जो है वो आपके पास ये नंबर आ गया 10, ठीक है। अब इसका बेस क्या है, 8 है और इसकी पावर 2 है। फिर आपके पास जो है 8 है, अगर 8 ही को आप देखते हैं तो 8 8 जो है 1 0, तो आपके पास जो है उसके साथ आपके पास 8 जो है वो 1 0 टू द बेस 8 है, और 10 की आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हो तो 1 2 टू द बेस 8 और आपका पावर 1 है। फिर 7 जो है, क्योंकि 7 लेस देन 8 है सो इट विल रिमेन एज सेम, और फिर बेस 8 है और फिर 10 की 1 2 है और पावर 0 है। सो हमारे पास यहाँ पे 1 2 की पावर 2 है, 1 2 की पावर 1 है, और ये 0 0 का मतलब ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। सो हम क्या करेंगे कि हम ये कॉमन 1 ले लेते हैं, बाकी हमारे पास 1 जो है वो 1 ही रहेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सो आपके पास इसकी पावर जो है वो 1 1 आ गई, और ये आपके पास दूसरा जो है ये 10 मौजूद था, ये तो हम कॉमन ले चुके तो ये हमारे पास मौजूद है, और उसके अलावा हमारे पास बस 7 टू द बेस 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 2 और 2 और 2, तो ये आपके क्योंकि दोनों लेस देन 8 हैं सो हमारे पास 2 2 टू द बेस 8 आ जाएगा यहाँ से। सो हमारे पास 12 टू द बेस 8 और 22 टू बेस 8 है, और अगला जो है वो 7 टू द बेस 8 है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 22 टू द बेस 8 है और 12 टू द बेस 8 है, तो 12 2s are 24, 2 remainder, फिर 12 2s are 24 और 26, क्योंकि ये सारे के सारे डिजिट लेस देन 8 हैं सो ये आपके पास ऐसे ही आएंगे। सो हमारे पास 264 टू द बेस 8 आ गया और प्लस 7 टू द बेस 8 है। अब यहाँ पे हम इनको जब ऐड करने जा रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, 264 को ऐड किया और 7 को ऐड किया तो 7 4 क्या हो गया, 11। अब 11 जो है वो टू द बेस 8, तो ये आपके पास 1 और 3 आ जाता है, तो आपके पास 3 आ गया, फिर 6 और ये 7 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है, हमने ऐड किया ना, तो हमारे पास जो है वो 273 टू द बेस 8 आ गया। सो हमारे पास अब हम इसको लिखना चाह रहे हैं डेसिमल में। हमने कहा था ना कि कंप्यूटर में हम कुछ नंबर्स जो हैं वो जब फीड करते हैं डेसिमल सिस्टम में तो कंप्यूटर बाज़ दफ़ा उसको ऑक्टल में और फिर ऑक्टल से बाइनरी में शिफ्ट करता है, इसी तरह से बाज़ दफ़ा हेक्सा डेसिमल में और फिर उसको बाइनरी में शिफ्ट करता है। अब यहाँ पे देखें, ये ऑक्टल नंबर्स हैं और टू द बेस 8 है और इसको हम बाइनरी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम 2 7 और 3 को लिख रहे हैं, और 2 जो है वो आपके पास क्या है, 1 0 आ जाता है अगर बाइनरी सिस्टम है। 7 जो है, 7 का बाइनरी सिस्टम अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 रिमाइंडर 1 है, 3
वन और वन, ठीक है। तो आपके पास ये वन 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 है, तो थ्री डिजिट आपके पास आते हैं ऑक्टल में, और बाइनरी में आप मैक्सिमम थ्री डिजिट तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपके पास नहीं होंगे। सो हम इसको टू को लिखेंगे, वन जीरो है ये जो हमारा लेफ्ट साइड पे जीरो होता है, ये कोई वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होता। सो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू वही वन जीरो ही है। फिर सेवन को हमने लिखा तो ये ट्रिपल वन जो मैंने अभी आपको कन्वर्ट करके बताया था वन वन जीरो हो गया, और थ्री को इसी तरह से ये वन वन है तो हमने इधर भी जीरो ऐड कर लिया। सो हमारे पास ये टोटल जो नंबर है 187 अगर आप रिकॉल करें जो हमने डायरेक्ट बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया था, और जो हमने यहाँ पे हमें मिला वो हमें एग्जैक्टली सेम नंबर मिला। सो ये हमारे लिए आसान है कि अगर हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके और देन बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये नंबर्स जो हैं इस तरीके से आते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ तक कि हमने आपको बताया कि हम कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम को यूज़ करते हैं तो हम अपने डेसिमल नंबर सिस्टम को किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में भी जो है कन्वर्शन मैंने आपको थोड़ी बता दी ताकि आपको एक आइडिया हो कि आप जब कोई प्रोग्राम भी कोई नंबर भी फीड करते हैं कंप्यूटर में तो पहले वो कन्वर्ट होते हैं बाइनरी में और उसमें भी एरर इन्वॉल्व हो जाती है। सो हमें ये नंबर्स का पता होना चाहिए ताकि हमें एक आइडिया हो कि हम जो है वो कितनी एरर जो है वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं और उसको किस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर जो है वो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा।